देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान शंकर ने उनका हित साधन करने के लिए तथास्तु कहा और गंधमादन तथा विंध्याचल इन दो पर्वतों को अपने रथ की ध्वजा बनाया। समुद्र और वनों के सहित संपूर्ण पृथ्वी ही रथ हुई। नागराज शेष को रथ की धुरी के स्थान में रखा गया। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों पहिए बने। एलपत्र के पुत्र को और पुष्पदंत को जुए की कीलें बनाया। मल्याचल का जुआ बनाया गया। तक्षक नाग ने जुआ बांधने की रस्सी का काम किया। प्रतापी भगवान शंकर ने संपूर्ण प्राणियों को घोड़ों की बागडोर में सम्मिलित किया। चारों वेद रथ के चार घोड़े बनाए गए। उपवेद लगाम बने। गायत्री और सावित्री का पघा बना। ओमकार चाबुक हुआ और ब्रह्मा जी सारथी। मंदराचल को गांडीव धनुष का रूप दिया गया और वासुकी नाग से उसकी प्रत्यंचा का काम लिया गया। भगवान विष्णु हुए उत्तम बाण और अग्निदेव को उसका फल बनाया गया। वायु को बाण की पांख और वैवस्वत यम को पूंछ बनाया गया। बिजली उस बाण की धार हुई। मेरु को प्रधान ध्वजा बनाया गया। इस प्रकार सर्व देवमय दिव्य रथ तैयार कर भगवान शंकर उस पर आरूढ़ हुए। उस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर उस रथ में 1000 वर्ष तक रहे। जब तीनों पुर आकाश में एकत्रित हुए, तो उन्होंने 3 गांड तथा 3 पल वाले बाण से उन तीनों पुरों को भेद डाला। दानव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी न सके। कालाग्नि के समान बाण से जिस समय वे तीनों लोकों को भस्म कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी भी देखने के लिए वहां आई। उनकी गोदी में एक बालक था जिसके सिर में 5 शिखाएं थीं। पार्वती ने देवताओं से पूछा, यह कौन है? इस प्रश्न से इंद्र के हृदय में असूया की आग जल उठी और उन्होंने उस बालक पर वज्र का प्रहार करना चाहा, किंतु उस बालक ने हंसकर उन्हें स्तंभित कर दिया। उनकी वज्र सहित उठी हुई बाह ज्यों की त्यों रह गई। अपनी वैसी ही बाह लिए इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए तथा उनको प्रणाम करके बोले, भगवन, पार्वती जी की गोद में एक अपूर्व बालक था, हमने उसे नहीं पहचाना। उसने बिना युद्ध किए खेल ही में हम लोगों को जीत लिया। अतः आपसे पूछते हैं, वह कौन था? उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उस अमित तेजस्वी बालक का ध्यान किया और सारा रहस्य जानकर देवताओं से कहा, उस बालक के रूप में चराचर जगत के स्वामी भगवान शंकर थे। उनसे श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है, इसलिए अब तुम मेरे साथ चलकर उन्हीं की शरण लो। उस समय ब्रह्मा जी के साथ संपूर्ण देवता भगवान महेश्वर के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें ही सब देवताओं से श्रेष्ठ जानकर प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, भगवन, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही इस विश्व के सहारे हो और तुम ही सबको शरण देने वाले हो। सबको उत्पन्न करने वाले महादेव तुम ही हो। परम धाम या परम पद तुम्हारा ही स्वरूप है। तुमने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। भूत और भविष्य के स्वामी जगदीश्वर, ये इंद्र तुम्हारे कोप से पीड़ित हैं, इन पर कृपा करो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। देवताओं पर कृपा करने के लिए ही वे ठठाकर हंस पड़े। फिर तो देवताओं ने पार्वती सहित महादेव जी को प्रसन्न किया। शिव के कोप से जो इंद्र की बाह सुन्न हो गई थी, वह ठीक हो गई। वे भगवान शंकर ही रुद्र, शिव, अग्नि, सर्वज्ञ, इंद्र, वायु और अश्विनी कुमार हैं। वे ही बिजली और मेघ हैं। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, काल, मृत्यु, यम, रात, दिवस, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, संध्या, दाता, विधाता, विश्वात्मा और विश्वकर्मा भी वे ही हैं।
में निराकार होकर भी संपूर्ण देवताओं के आकार धारण करते हैं। सब देवता उनकी स्तुति करते रहते हैं। वे एक, अनेक, सौ, हजार और लाख हैं। वे दग्ध्य ब्राह्मण उनके दो शरीर बताते हैं, शिव और घोर। ये दोनों अलग-अलग हैं। इन दोनों के भी कई भेद हो जाते हैं। उनका घोर शरीर अग्नि और सूर्य आदि के रूप में प्रकट है, तथा सौम्य शरीर जल, नक्षत्र एवं चंद्रमा के रूप में। वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा अध्यात्म शास्त्रों में जो परम रहस्य है, वह भगवान महेश्वर ही है। अर्जुन, यह है महादेव जी की महिमा। इतना ही नहीं, वह अत्यंत महान तथा अनंत है। मैं 1000 वर्ष तक कहता रहूं, तो भी उनके गुणों का पार नहीं पा सकता। जो लोग सब प्रकार की ग्रह बाधाओं से पीड़ित हैं और सब प्रकार के पापों में डूबे हुए हैं, वे भी यदि उनकी शरण में आ जाएं, तो वे प्रसन्न होकर उन्हें पाप ताप से मुक्त कर देते हैं, तथा आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और प्रचुर भोग सामग्री प्रदान करते हैं। कुपित होने पर वे सबका संहार कर डालते हैं। महाभूतों के ईश्वर होने के कारण उन्हें महेश्वर कहते हैं। वेदों में भी इनकी शतरुद्रीय और अनंत रुद्रीय नाम की उपासना बताई गई है। भगवान शंकर दिव्य और मानव सभी भोगों के स्वामी हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने के कारण वे ही विभु और प्रभु हैं। शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं, तथापि एक विलक्षण अग्निमय नेत्र अलग भी है, जो सदा प्रज्वलित रहता है। वे सब लोकों में व्याप्त होने के कारण सर्व कहलाते हैं। वे सबके कर्मों में सब प्रकार के अर्थ सिद्ध करते हैं, तथा संपूर्ण मनुष्यों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहते हैं। महान विश्व का पालन करने से महादेव, स्थिति के हेतु होने से स्थाणु और सबके उद्भव होने के कारण भव कहलाते हैं। कपि नाम है श्रेष्ठ का और वृष धर्म का वाचक है। वे धर्म और श्रेष्ठ दोनों हैं, इसलिए उन्हें वृषा कपि कहते हैं। उन्होंने अपने दो नेत्रों को बंद कर बलात ललाट में तीसरा नेत्र उत्पन्न किया, इसलिए वे त्रिनेत्र कहे जाते हैं। अर्जुन, जो तुम्हारे शत्रुओं का संहार करते हुए देखे गए थे, वे पिनाकधारी महादेव जी ही हैं। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करने पर श्री कृष्ण ने स्वप्न में गिरिराज हिमालय के शिखर पर तुम्हें जिनका दर्शन कराया था, वे ही भगवान शंकर यहां तुम्हारे आगे आगे चलते हैं, जिन्होंने ही वे दिव्य अस्त्र दिए जिनसे तुमने दानवों का संहार किया है। यह भगवान शिव का शतरुद्रीय उपाख्यान तुम्हें सुनाया गया है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है, परम पवित्र तथा वेद के समान है। भगवान शंकर का यह चरित्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। इस शतरुद्रीय उपाख्यान को जो सदा पढ़ता और सुनता है तथा जो भगवान शंकर का भक्त है, वह मनुष्य सभी उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्जुन, जाओ युद्ध करो, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक और पार्श्ववर्ती भगवान श्री कृष्ण हैं। संजय कहते हैं, महाराज, पराशर नंदन व्यास जी अर्जुन से यह कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। वेदों के स्वाध्याय से जो फल मिलता है, वही इस पर्व के पाठ और श्रवण से भी मिलता है। इसमें वीर क्षत्रियों के महान यश का वर्णन किया गया है। जो नित्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके पाठ से ब्राह्मण को यज्ञ का फल मिलता है, क्षत्रिय को संग्राम में सुयश की प्राप्ति होती है, तथा शेष दो वर्णों को भी पुत्र, पौत्र आदि अभीष्ट वस्तुएं उपलब्ध होती हैं।